हेलो दोस्तों, मैं हूँ आश्रम आजम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो के पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। तो आपको मारुति सुजुकी ऑल्टो में रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, इसकी इंजन भी आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो आपको इसमें 160 nm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने के लिए मिल जाता है, जो वाकई में बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको एसी भी देखने के लिए मिल जाता है। एसी होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें अच्छी कूलिंग वाला एसी देखने के लिए मिल जाता है। अब कोई कुछ कुछ लोगों को लगता होगा कि ऑल्टो का एसी सिर्फ नाम का है, लेकिन नहीं भाई, इसका एसी भी बहुत अच्छा है। और इसमें आपको सीएनजी भी देखने के लिए मिल जाता है, कंपनी फिटेड। और इसमें आपको ज़्यादा पंजी सस्पेंशन देखने के लिए नहीं मिलते, आपको इसे सस्पेंशन बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अगर कंपेयर करें इंडियन रोड से तो ठीक ठाक है। अभी इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 2 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, ईबीएस और ईबीडी भी देखने के लिए मिल जाता है। और आपको इसमें बहुत रिफाइंड इंजन देखने के लिए मिल जाता है, ज़्यादा नॉइसी नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेनॉल्ट क्विड। इसके पावर की बात की तो आपको इसमें 49 BHK की पावर देखने के लिए मिलती है और 69 Nm का टॉर्क, क्विड से कम है। क्विड के पावर की बात की तो आपको इसमें 53 BHK की पावर देखने के लिए मिलती है और 79 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। और आपको इसमें पावर विंडोज़ भी देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट में, और पीछे आपको हाथ से घुमाने का देखने के लिए मिलता है। और इसमें आपको 22 KMPL का माइलेज भी देखने के लिए मिल जाता है, जो वाकई में बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू क्विड। क्विड का भी माइलेज 21 KMPL तक होगा। तो आप बात कर रहे थे इसके नेगेटिव्स की, तो आपको सबसे पहले इसमें नेगेटिव मिलता है इसके टायर। आपको इसमें सिर्फ 12 इंच के टायर देखने के लिए मिलते हैं, एज़ कम्पेयर क्विड में आपको 14 इंच के टायर देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें आपको 177 L का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, और क्विड में आपको 279 L का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। चौथा है बिल्ड क्वालिटी, जो आपको मारुति सुजुकी के सारे गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है, सिर्फ ब्रीजा और एस्क्रॉस को छोड़कर। कर्व वेट की बात करें तो आपको इसमें 729 kg का कर्व वेट देखने के लिए मिलता है। चौथा है पेस, जो आपको रेनॉल्ट क्विड से बहुत कम स्पेस देखने के लिए मिलता है ऑल्टो में, चाहे वो फ्रंट से हो या बैक से। इसके पावर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑल्टो क्विड से कम पावरफुल है और कम टॉर्क की भी है। और इसमें आपको रेनॉल्ट क्विड से थोड़े छोटे मिरर देखने के लिए मिलते हैं। तो बस यही थे मारुति सुजुकी ऑल्टो के पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।